जी सरपंच जी, सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में जानकारी आप प्रदान करें। मैं ग्राम पंचायत मुर्रा से सरपंच नागेश कुमार चंद्रवंशी। जी मेरे यहाँ सर अभी जो है वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। मतलब पिछले 2 दिनों पहले वैक्सीनेशन का शिविर लगा हुआ था हमारे यहाँ, जी तो लगभग सेकंड डोज और फर्स्ट डोज दोनों ही लग रहा है। जी 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 और कितने जो परसेंट आपके यहाँ लगभग हमारे वैक्सीनीकरण हो यहाँ चुका है? लगभग 60-70% के आसपास अभी अच्छा अच्छा वैक्सीनेशन हो सभी चुका लोग है। जागरूक हैं, जी 18+ वाले हाँ, और सब सब सिर्फ सभी साठ लोग प्लस वाले। जागरूक हैं जी अभी। जी 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 और सरपंच महोदय, आप बताइए कि आपने पंचायत का क्या विकास किया और आने वाले समय में क्या विकास करने की योजनाएं बना रहे हैं? प्रशासन से कितना फंडिंग आपको हुआ, किस तरह से आपका गांव का विकास चल रहा है? अभी देखिए वर्तमान में जो हमारे यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, प्रथम तो माननीय रुद्र गुरु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने हमारे ग्राम में बहुत सारा कार्य करवाया। जी हमको रोड की बहुत समस्या थी, आगामी मतलब समय में उन्होंने हमको एक रोड का प्रस्ताव दिया, रोड बना हमारे यहाँ। जी जी तो लगभग 930 मीटर रोड का निर्माण हुआ, सीसी रोड का। जी पानी टंकी का निर्माण हुआ पीएचई विभाग से। नल जी जल योजना का कनेक्शन चल ही रहा है अभी हमारे यहाँ। जी जी पाइपलाइन हो चुका है, घर घर कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है अभी। जी और वर्तमान में हमारे यहाँ एक जनपद निधि से एक ग्राम हमारे आश्रित ग्राम सुरजीडीह में जी सामुदायिक भवन चल रहा है। नल जल जी योजना का प्रावधान वहाँ भी लागू हो चुका है, टंकी बनने वाला है वहाँ भी। जी जी पाइपलाइन का कनेक्शन जो है हो चुका है अभी जी वहाँ। जी जी और भविष्य की हमारी योजनाएं बहुत सारी हैं। जी हमने एक नया बोर भी खुदवा के उसमें बोरिंग हैंडपम्प जो है लगवा चुके हैं अभी। जी 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 और भविष्य की योजनाएं बहुत सारी हैं। सर, सीसी आपके रोड यहाँ का, गौठान नाली की क्या का। स्थिति है? जो लावारिस मवेशियाँ गौठान हैं उनको कहाँ पे गौठान जो रखा है जा रहा अभी है? वर्तमान में हमारे यहाँ, अभी वर्तमान में रिसेंट में अभी 15 दिन पहले स्वीकृत हुआ है हमारे यहाँ। जी तो जी बरसात के कारण हम क्या है थोड़ा सा परेशानी झेल रहे हैं उसमें। जी कन्हार मिट्टी होने की वजह से कार्य करने में थोड़ा सा परेशानी तो हो रहा अभी जो वर्तमान में लावारिस मवेशियां हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है। है? वर्तमान में जो लावारिस मवेशी हैं वो घर वाले अपना प्रबंधन करते हैं। और अधिकांश तो शासन ने योजना निकाला था कि हम जो है मतलब चरवाहा लगाने के लिए हमको बोला गया था, तो हमने गांव में मीटिंग करके चरवाहा लगाने के लिए प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जो है उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, जी 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 इस वजह से चरवाहा नहीं लग पाया। तो मवेशियाँ जो हैं रात में दिन में अपने हिसाब से मतलब चरने के लिए चले जाते हैं, और कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है। जी जी तो जी इस वजह से परेशानी गाय की वजह से होता है जी जी ग्रामीणों जी को। अच्छा, प्रशासन से और किसी चीज़ की आप मांग करना चाहते हैं अपने पंचायत विकास के लिए?